आज मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो क्या मसला, क्यों वॉकआउट होना पड़ा आपको? देखिए, वॉकआउट इसलिए हुआ क्योंकि साल होने आया है मेरे को चेयरपर्सन, 18 फेब को मेरे को पूरा एक साल हो जाएगा। बट एक साल में कितने काम ग्राउंड पे हो रहे हैं, हर बार मीटिंग्स में वही पुराने इश्यूज रेज होते हैं, उन इश्यूज के ऊपर कोई काम तो होना चाहिए। बस हर बार वही जसपाल भट्टी की मीटिंग्स है, आज ये वाली मीटिंग है, अगली काउंसिल में अगली मीटिंग है, बट ग्राउंड पे कोई काम नहीं। गरीब बेचारा वैसे ही रो रहा है जैसे रो रहा था पाइपों के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, हर चीज के लिए। हम बोलते हैं तो अवेलेबिलिटी नहीं है, फंड्स नहीं है, हमारे फंड्स है वो नहीं लग रहे ग्राउंड पे। ये कर रहे क्या है, कौन सा काम कर रही है? मैं हमें तो ग्राउंड पे तो हम लोगों को जाना ना, इनको तो नहीं ना जाना, आज ये यहाँ है कल किसी और डिस्ट्रिक्ट में होंगे, बट हमें तो इन्हीं लोगों के सामने मुंह दिखाना है इन लोगों को। इन लोगों ने हमें किसी कुछ सोच के चुना था, बट हम लोग जब काम ही नहीं कर रहे हैं लोगों के, तो फिर हम लोगों के सामने किस क्या मुंह लेके हम जाएंगे? तो ये इसी चीज के ऊपर है। और हम लोगों को हमेशा बोला जाता है आपका प्रोटोकॉल, आपको प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की तो बात ही नहीं है मीटिंग में। आप लोग क्यों हमेशा प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? ये तो एक काउंसिल की मीटिंग हो रही है, किसी प्रोटोकॉल की मीटिंग थोड़ी हो रही है। सेरेमोनियल प्रोटोकॉल है, सेरेमोनियल प्रोटोकॉल है, लिखा गया है भाई। क्यों तुम होते कौन हो हमारा प्रोटोकॉल बनाने वाले? हमारा प्रोटोकॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लिखा है ना, कि इन्होंने लिखा हुआ है। ये थोड़ी कोई तरीका, हर बार आप ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो आपकी क्या मांग रहेगी? आपकी मांग हमारी कुछ नहीं है, लोगों को पानी दो, लोगों को नरेगा क्या काम करते हैं वो लोग उनको पैसा दो टाइम टू टाइम। हमारे जो फंड्स हैं, हमने जो काम रखे हुए वो काम जमीनी स्तर पे होने चाहिए, जो कि हो नहीं रहे। सिर्फ हर बार वीसीज अटेंड करनी है, इन लोगों को मीटिंग्स अटेंड करनी है, बट जो एक आम आदमी है उसका काम नहीं हो रहा, तो किस चीज के लिए हम लोगों को यहाँ पे रखा गया है? अरे ब्लॉक में जो है ना, मैं आप बताया वाइस चेयरपर्सन एक एक जी, आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है नहीं बात सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। हमने जब अपनी मांगों के लिए बात की तो हो रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, कोविड है, कोविड एक ड्रामा है, इनकी तिजारत है, बड़े हमें नहीं पता कि कोविड है, हम तो सोशल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। हमारे जब हम लोग बैठे हुए तो आप लोगों को बैठने में क्या प्रॉब्लम है? एक भी बात सुनी नहीं, दो दो मिनट सबको दिए, वो भी हमने जबरदस्ती करके। ये कोई रूल है इनका? एक साल से हम चुप बैठे, इसका मतलब हमें बोलना नहीं आता है। डीसी साहब भी आ गए, बीमारी का बहाना लगा के चले गए, इसका मतलब नहीं हमें, हम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मीटिंगों में आए। ये सब दिखावा है, ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ सियासत चलती है यहाँ पे। पलमाड़ से चेयरपर्सन बीडीसी पलमाड़ से हूँ। जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट में मुझे कोविड बताया गया, कोविड बता गया, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गई, वहाँ मुझे निगेटिव निकलता है, तो मैं फिर सीधा आ गई, अपनी मीटिंग में बैठ गई। और ये ऐसे चोर यहाँ पर बैठे हैं सारे मिलके, ये मानते ही नहीं है किसी को। देखो मैं नरेगा की बात करूंगी तो 2 साल से मुझे ना 2 साल का जो मटेरियल है 1 करोड़ कुछ पेमेंट हुई है, 1 करोड़ किसको मिलता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किसको मिलता है। डिपार्टमेंट बोलता है हम भी नहीं खा रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? जबकि मुझे पता चला कि ये 16 आदमियों को बांटा जाता है, किसको दे रहे हैं ये, कहाँ जाता है ये मटेरियल? लोगों को मिलता ही नहीं है, लोग बेचारे गरीब दरबदर हैं, काम करके बोलते ये काम ही नहीं करते हैं लोग। अगर काम नहीं करते वो मटेरियल कितना कैसे बना, किस चीज का बना हुआ मटेरियल कैसे बनाते हैं ये, अगर ये लोगों को नहीं मिलता है तो। मेरी यही